गोरखपुर में कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के मामले में पुलिस वालों पर एफआईआर दर्ज होने के पहले एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें गोरखपुर के डीएम विजय किरण आनंद और एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा बीआरडी मेडिकल कॉलेज पुलिस चौकी के अंदर बंद कमरे में मनीष के परिवार से मान मनवल करते नजर आए। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में अधिकारी समझा रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस वालों का परिवार बर्बाद हो जाएगा, वह एफआईआर ना करें, उन्हें नौकरी का प्रलोभन भी दिया जा रहा है, लेकिन मृतक की पत्नी मौत के बदले मौत की सजा की बात कह रही है। वीडियो में ये कहते हुए सुना जा सकता है कि मुकदमे तो लंबे समय तक चलते हैं, उन्हें न्याय नहीं मिल पाएगा। ऐसे में वायरल वीडियो इस बात की गवाही दे रहा है कि अधिकारी किस तरीके से पुलिस वालों को बचाने में लगे हुए हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर मृतक मनीष की पत्नी मीनाक्षी का एक और वीडियो वायरल है, जिसमें वो अपने पति के मामले में न्याय की गुहार लगाती नजर आ रही है। हालांकि जानकारी के मुताबिक आज सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात होनी है, जिसमें वो अपनी गुहार को सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के सामने रखेंगी। निष्पक्ष स्वतंत्र जांच करिएगा, इसके लिए मैं और कप्तान साहब स्वयं निगरानी करेंगे, ये मैं आपको आश्वासन दूंगा। मेरी बात इसमें रखी थी, मेरा अनुरोध हमारे लिए, मैं आपको एक बड़े भाई एक बार मुकदमा होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है, मुझे पता नहीं कि आपको पता नहीं कि सालों तक कोर्ट में ये है कि उनका पहले से तो कोई झगड़ा था नहीं, वो गए थे वर्दी पहन के गए, इसीलिए हम आपकी बात सुबह से सुन रहे हैं। मैडम ने मुझे कहा कि आप निलंबित कर दीजिए, मैंने कर दिया, और तब तक बहाल नहीं होंगे जब तक उनको क्लीन चिट ना मिल जाए। मुझे नौकरी उनकी नहीं चाहिए भैया, मुझे उनको पूरी तरीके से नौकरी से हटाइए, मुझे या तो मुझे जान के बदले जान चाहिए। आप साफ रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है भैया, रिकॉर्डिंग।